नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट वाली जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगेगा, हो सकता है आपको खुशी भी आए, स्माइल भी आए फेस पे आपके। दोस्तों आजकल मैं बहुत सारे मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं, उन कमेंट्स में मैं वीडियो बना रहा हूँ। जो मुझे कमेंट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, जेन्युइन कमेंट्स होते हैं जिसके ऊपर जानकारी दी जा सकती है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दे रहा हूँ। जैसे इसके पहले मैं वीडियो बनाया था कि क्या RTO में टेस्ट देने जाने के लिए खुद से गाड़ी ले जानी पड़ती है कि टेस्ट में RTO वाले ही गाड़ी आपको देते हैं। फिर उसके बाद मुझे एक ऐसा कमेंट मिला मेरे इंस्टाग्राम के DMs में, जहाँ पर मुझे फिर से एक बार व्यस्त होना पड़ा इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। शायद इस टॉपिक पर मैं पहला ऐसा आदमी हूँ परिवहन जगत में जो वीडियो बना रहा हूँ, आपको जानकारी देने वाला हूँ। इसी बात पे आपको लाइक कर देना है अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी और थोड़ी जानकारी इसमें अगर मिलेगी इंटरेस्टिंग और हट के थोड़ी, तो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा अगर जानकारी अच्छी लगे तो, नहीं लगेगी तो मत दबाइएगा, कोई आपसे इस वीडियो में बाध्यता नहीं कर रहा हूँ। देखिए आइए इस टॉपिक पे फोकस करते हैं। आज का टॉपिक है कि क्या यहाँ पे मुझे कमेंट जो मिला था उस कमेंट पे वीडियो बनाना, तो मुझे कमेंट ये मिला था कि सर बताइए कि क्या लड़कियाँ भारत में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकती हैं कि नहीं, और अगर बनवा सकती हैं तो क्या वह मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनवा सकती हैं कि नहीं। जी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह भारत ही नहीं, यह पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में दोस्तों एक रूल है, उसके ऊपर मैं बताऊँगा। और भारत में भी क्या रूल है, CMVR में, MVL में, मोटर व्हीकल लिमिटेड जो रूल्स होते हैं उसमें क्या प्रिस्क्राइब किया गया है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करिएगा ताकि पूरी जानकारी अच्छे से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको। देखिए भारत में रूल जो है उसमें लिखा गया है साफ साफ, Anyone can get a driving license, minimum capacity of engine of 50 cc, prescribed age is 16 to 18। समझ रहे हैं आप, 50 cc तक की कोई भी गाड़ी चलाने के लिए 16 से लेकर 18 साल के पहले तक के कोई भी आदमी आवेदन कर सकता है, आदमी औरत। उसमें कोई जेंडर मेंशन नहीं किया गया है। उसके साथ साथ फिर से Anyone in India can get a driving license एट द एज ऑफ कम्पलीटेशन ऑफ 18, यानी कि कोई भी इंडिया में मानव लाइसेंस प्राप्त कर सकता है, समझ रहे हैं आप, वह अगर 18 साल एज कम्प्लीट कर लेता है तो। कमर्शियल के लिए यह एज 20 साल है, कोई कमर्शियल व्हीकल यानी कि अगर आप हैवी वाहन अगर आप चलाना चाहते हैं तो उसके लिए एज जो है वो 20 साल है। नॉर्मल बाइक फोर व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए एज 18 है, 16 से भी आप लाइसेंस बनवा सकते हो 50 cc तक। हालांकि भारत सरकार के द्वारा दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंडिया में कोई ऐसा वाहन नहीं है जिसकी क्षमता जो है वो 50 cc से कम हो, सबकी क्षमता 50 cc से प्लस ही है। बट पता नहीं क्यों दोस्तों ऐसा नियम है, तो है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 50 cc के अंदर से कोई वाहन हो विदाउट गियर का तो उसको आप 16 साल की उम्र में ही आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है क्या लड़कियां लाइसेंस बनवा सकती हैं कि नहीं, तो इसका सीधा शब्द में आंसर देना चाहता हूं, जी हां लड़कियां भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकती हैं। फिर उसके बाद जो इसमें सेकंड क्वेश्चन आया है कि क्या लड़कियां गर्ल्स कैन मेक ड्राइविंग लाइसेंस फॉर MCWG यानी कि टू व्हीलर मोटरसाइकिल विथ गियर का लाइसेंस क्या बनवा सकती हैं कि नहीं मोटरसाइकिल चलाने के लिए, तो जी हां इसके ऊपर भी मैं आपको हां में बता रहा हूं कि कोई भी इंडिया में ऐसा रूल नहीं है, कोई मोटर व्हीकल रूल जो है MVR मोटर सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट जो CMVR है और MVR है मोटर व्हीकल एक्ट, उसमें भी दोस्तों कोई भी ऐसा प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है कि लड़कियों का लाइसेंस नहीं बनाया जाएगा दोपहिया वाहनों का। लड़कियां तो दोस्तों ज़्यादातर स्कूटी का लाइसेंस बनवाती हैं जिसका होता है MCWOG, उनका वो अधिकृत लाइसेंस होता है, बट मोटरसाइकिल MCWG लाइसेंस भी वो बनवा सकती हैं। यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं है कि लड़कियां लाइसेंस नहीं बनवा सकती हैं मोटरसाइकिल का। दोस्तों बात करें दोस्तों तो यहाँ पर US में भी ऐसा रूल है, वहाँ पर सिर्फ एक ही लाइसेंस बनता है, इंडिया में तो कई सारे लाइसेंस बनते हैं टू व्हीलर का, वहाँ पर एक ही लाइसेंस बनता है चाहे वो गियर का हो नॉन गियर का हो, उसको कोई भी लड़के या लड़कियाँ कोई भी आदमी बनवा सकता है, जो पर्टिकुलर टर्म्स कंडीशन है क्राइटेरिया पूरा अगर फुलफिल वो करता है तो लड़का लड़की उसमें कोई बनवा सकता है। वही रूल इंडिया में भी है, एनीवन कैन अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, उस रूल में ही यही लिखा है, एनीवन का मतलब कोई भी, उसमें ये नहीं मेंशन किया गया है कि ए बॉय कैन मेक ए गर्ल कैन मेक, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी आदमी भी दोस्तों इवन आप एक्टिवा स्कूटी का लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो उसी तरीके से लड़कियां भी आवेदन करती हैं और उनका लाइसेंस बनता है और हम लोग बनाते भी हैं,
और तो ये मैं आपको मुझे ये कमेंट थोड़ा सा वियर्ड से लगा था और इसके ऊपर मैंने सोचा कि आप लोग को जानकारी दी जाए। तो आपको कैसी लगी यह जानकारी जान के ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी अगर आप अपने टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आके बताइए, सुझाव दीजिए। @TechnicalAlokji मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, 24/7 वहाँ पर अवेलेबल रहता हूँ, आपके क्वेश्चन का सारा जवाब देता रहता हूँ। बहुत सारे लोग मेरा वहाँ पे मोबाइल नंबर मांग करते हैं कि आप सर फ़ोन नहीं करते, आप बात करना चाहते हैं आपके साथ। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने एक ऑप्शन सेटिंग इनेबल कर दिया है यूट्यूब में। सब्सक्राइब के बगल में आपको एक ब्लू कलर का बटन दिख रहा होगा ज्वाइन का, ज्वाइन में आप जाइए, ज्वाइन करिए, गोल्ड मेंबर बनिए। उसके बाद मैं आपको खुद महीने में 2 बार वॉइस कॉल और 1 बार वीडियो कॉल करूँगा, साथ साथ बहुत सारे गिफ्ट बॉक्स आपको देता रहूँगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।